हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी आ रही हूँ पुरी से। मैं पहले पुरी गई थी और वहाँ पे मैंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और मैं समुद्र भी गई थी। वहाँ का जो गोल्डन बीच है बहुत फेमस है, वहाँ के व्यूज़ हमने लिए और अब हम वहाँ से सीधा आ गए हैं भुवनेश्वर। और मैं इधर, आप मेरे आसपास देख रहे होंगे, ये पूरा लिंगराज मंदिर की लोकेशन है। ये आप मेरे पीछे देखिए, ये लिंगराज मंदिर है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, वो देखिए पीछे साइड में मंदिर है। तो वहाँ से हम बस में आए हैं। वहाँ से करीब 35 किलोमीटर था ये पुरी से, पुरी बस स्टैंड से यहाँ पर लिंगराज मंदिर करीब 35 किलोमीटर था। तो मैं आ गई हूँ मंदिर। मैं आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। मंदिर का मेन एंट्रेंस, मुझे लग रहा है यहीं से सबकी एंट्री हो रही है। और इधर थोड़ी भीड़ लगी है, हम भी चलकर देखते हैं यहाँ पर क्या है। और ये भी बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर भी लोग आते हैं दूर दूर से। आप देखिए लोगों का यहाँ पे जमावड़ा बहुत लगा हुआ है, भीड़ है। तो चलिए अंदर चलते हैं हम भी। यहाँ पर हमारा जो भी लगेज है वो सारा लगेज हम यहीं पर छोड़ देंगे बाहर और यहाँ से फिर हम अंदर जाएंगे। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है ये भी। एक्चुअली मैं यहाँ पर कभी नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ लिंगराज मंदिर। बहुत टाइम से आने का मन था लेकिन ऐसा होता था कि एग्ज़ाम, पढ़ाई, कॉलेज और आ ही नहीं पाती थी। बहुत प्लानिंग के बाद आज आ पाई हूँ मैं यहाँ। तो चलते हैं अंदर, मैं दिखाती हूँ आपको बाकी सारे व्यूज़। ये इधर से मैं यहाँ पर आई हूँ प्रसाद लेने। देखिए आप मेरे पीछे, यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है। और यहाँ पर इन लोगों से मुझे पता चला है कि हम अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है अंदर। तो मोबाइल तो मुझे बाहर ही रखना पड़ेगा। और बाकी इस जगह मैं उधर से एंट्री लेके, मैंने वहाँ से एंट्री ली थी और उसके बाद मैं इधर ऊपर आई हूँ। और यहाँ से अभी प्रसाद लेके मैं अंदर जाऊँगी। लगेज और हमारा पर्स और फ़ोन वगैरह जो है वो यहीं पर रख लिया जाएगा। तो फिर मैं जब अंदर से आऊँगी दर्शन करके, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और तब तक आप इधर का साइट सीन देखिए। तो ये मम्मी और भैया यहाँ पर प्रसाद ले लें। ले ली मम्मी? ठीक है। ये रहा यहाँ का प्रसाद। नहीं, तो ये है 80 रुपए का, आपने सुना होगा। ये है 80 रुपए का, इन्होंने कहा 80 टोंका, उड़िया लैंग्वेज में कहा इन्होंने। प्रसाद लेके चलते हैं अंदर। तो ये है हमारा प्रसाद। प्रसाद हम ले चुके हैं, देखिए ये इसमें क्या क्या है। इसमें ये दूध है, नारियल है और ये थोड़ा सा ये वाला प्रसाद और ये कुछ फूल हैं। ये प्रसाद और इसको लेके अब हम चलते हैं अंदर। तो मैं यहाँ अंदर से आ गई हूँ दर्शन करके। और ये आप देखिए इस मंदिर कैंपस के अंदर वो जो आपको बड़ा वाला गुंबद दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको बड़ा वाला गुंबद दिख रहा है, इसमें भगवान लिंगराज जी हैं। और ये जो पूरा बाउंड्री दिख रही है आपको, पूरा कैंपस, इस पूरे बाउंड्री के अंदर करीब 15 से 20 मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि जैसे हमारे भारत में अलग अलग शिव जी के ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर और तिरुपति जी, काशी विश्वनाथ जी, तो यहाँ पर आपको अलग अलग मंदिर मिल जाएंगे हर एक ज्योतिर्लिंग के। तो यहाँ का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पीसफुल है ये एरिया। आप जब भी भुवनेश्वर आएँ, आप जब भी उड़ीसा आएँ, तो आप ये जगह ज़रूर आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और गाइज, मैंने आपको बताया कि मैं पुरी से इधर आ रही हूँ। पहले मैं पुरी गई थी, वहाँ पर भी मैंने पुरी मंदिर का नाइट का व्यू दिखाया है, मॉर्निंग का व्यू दिखाया है। वहाँ पर भी ऐसा ही अंदर श्री जगन्नाथ मंदिर में, कि वहाँ पर भी फ़ोन, पर्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो अंदर का तो हम व्लॉग नहीं बना सकते, मतलब अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते। और मैंने वहाँ की भी व्लॉगिंग की है और सी बीच भी मैंने दिखाया है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। वो वीडियो बहुत अच्छा बना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर अंदर भगवान को भोग लग रहा है। जब अभी हम लोग गए अंदर, तब भगवान को भोग लग रहा था। मंदिर बंद था, हम लोगों ने थोड़ी देर तक वेट किया
मेन जो कपाट होता है अंदर का मेन दरवाज़ा वो बंद था। हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया, करीब 5 मिनट, और उसके बाद हम वहाँ पे अंदर गए। जैसे ही भगवान को भोग चढ़ गया तो उन्होंने वो खोल दिए कपाट, और वही भोग वहाँ पर अंदर मिल रहा है। मैं दर्शन करके आ गई हूँ, मैंने मम्मी और भैया को भी भेजा है, तो वो लोग अंदर से भोग लेकर आएंगे। तो वो जैसे ही भोग लेकर आते हैं, मैं आपको भोग दिखाती हूँ कि यहाँ पर भगवान को मेनली क्या क्या भोग चढ़ता है। तो ये हमारा भोग आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ये केले के पत्ते और ये हमारा भोग। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। चावल चावल है, एक तो सरसों का भाजी है, सरसों की सब्जी, हाँ भाजी, यहाँ बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर भाजी बोलते हैं। और ये क्या है? ये दाल है, ठीक है, ये दाल इसको है। दालमा बोलते हैं, दालमा। अच्छा, ये दालमा है। और ये तो चना मसाला है? ये है चना मसाला, चना मसाला है ये। अच्छा, और ये है मेन भोग जिसको कहते हैं मीठा चावल, कहते हैं मीठा। अच्छा, है यही भगवान को भोग में चढ़ता है, सब चढ़ता है, सब चढ़ता है, लेकिन ये मेन पड़ता है। हाँ, और ये खीरी, खीरीटा। अच्छा, इसको यहाँ खीरी बोलते हैं, ये खीर है, उड़िया में खीरी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये है भोग का सारा सा खाना, इसको हम खोलते हैं और खाते हैं अभी भोग हम। मम्मी अच्छा लग रहा काशी। ये हमने भोग अपना खा लिया है, भोग भी हमारा ख़त्म हो गया और मंदिर के दर्शन भी हमें हो गए हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। अब हम यहाँ से जाएंगे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन है रात में 10 बजे। तो वहीं पर वेटिंग रूम में हम बैठ के वेट करेंगे, या फिर इधर देखते हैं आसपास और भी कोई घूमने की जगह है तो वहाँ हम जाएंगे अभी। और हमारी ट्रेन है रात में 10 बजे, उत्कल एक्सप्रेस, जिससे हम जाएंगे झारसुगड़ा अपने घर। झारसुगड़ा से हम पहले निकले थे पुरी के लिए, वहाँ से फिर हम इधर आ गए भुवनेश्वर बस में, और यहाँ से अब हम फिर जा रहे हैं बैक टू पवेलियन। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो मिलते हैं गाइज़ आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।